तस्वीरें दिखा रहे हैं। शरद यादव जो तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं उन्हें बधाई देते हुए और यहां पर शॉल पहनाकर उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में सीधे सीधे नजर भी आ रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये उठा है, कल हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से सारथी बने हुए थे आप एक बड़े से पोस्टर में शरद यादव और अर्जुन की भूमिका निभा रहे थे नीतीश कुमार। सवाल ये कि क्या नीतीश वास्तव में एनडीए के लिए अर्जुन बन पाएंगे। फिलहाल यहां पर सीधी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शरद यादव को तीसरी बार अध्यक्ष बनने पर औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया गया और यहां पर वही विजयी मुद्रा इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ये आप कई बार याद करिए कि इस तरह की तस्वीरें हम लोग अक्सर देखते हैं जिसमें कि हाथ दोनों उठा लेंगे, अभी मेरे ख्याल से उठाया भी होगा, रामलीला मैदान में भी हुआ था इसी तरह। जी हाँ, विजय का चिन्ह बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम लोग विक्ट्री का साइन बनाते हैं। तो ये मुद्राएं तो बहुत अच्छी लगती है और सभी बनाते हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लास में एक कल्चर हो गया है कि वी का शेप देना, हाथ सबका उठा के, कोई कम हाइट का है, कोई बड़े हाइट का है, तो किस तरह से आप देखते हो कैसे वो जाता है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार के अलावा कोई है, एक आडवाणी का चेहरा बचता है, लेकिन तब से जो पॉलिटिकल मैसेजिंग आडवाणी के पर्सनालिटी को लेके हुई वो अब मुझे लगता है कि मॉडर्न एस्पिरेशंस के साथ वो नहीं जेल करती है। नरेंद्र मोदी उसमें जेल करते हैं, उनका 3D में जाना, उनका किस तरह से उद्योग को संबोधित करना। कुछ बोल रहे हैं शायद यहां पर नीतीश कुमार, उनकी आवाज नहीं आ रही है, हम उन तक चलेंगे। और यहां पर जिन बातों का आपने जिक्र किया कि युवाओं को नरेंद्र मोदी की बातें अच्छी लगती हैं 3D में, चाहे वो प्रचार का एक तरीका हो या फिर आधे ग्लास को पूरी तरह से भरा हुआ बताना हो, लेकिन यहां पर आपका रुख करते हुए दीपक जी सवाल बड़ा ये उठता है। मुझे याद आता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भगवान शिव का घर अपने आप में काफी ज्यादा अनोखा होता है क्योंकि वहां पर चूहा और सांप दोनों एक साथ रहते हैं। जरा इस बयान का मतलब बताइए और मौजूदा राजनीतिक दौर जिस तरह का देखा जा रहा है नीतीश और मोदी के नाम पर, क्या उसमें भी अपनी गोटी फिट करने की कोशिश मोदी की ओर से की गई थी लेकिन दरअसल वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए? दरअसल चित्रा, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी कभी साधु बनने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए थे। 4 साल वो वहां पर रहे थे और इन 4 सालों के दौरान उन्होंने गंभीर हिमालय की जितनी भी कंदराएं होती हैं, जंगल होते हैं, जमीन होते हैं, उनके साथ बड़ा नाता जुड़ा था। बड़े पढ़े लिखे थे, शिव के बारे में उन्होंने काफी पढ़ा था, गंगा के बारे में काफी पढ़ा था, क्या शिव की विशेषता है, क्यों कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, क्यों कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो इन तमाम तरह की जितनी भी आइडियाज थे उन 4 सालों के दौरान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने ग्रहण किए हैं। इसीलिए जो उनका भाषण होता है कभी उसमें स्पिरिचुअलिटी का बिट आ जाता है, कभी उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं, कभी उसमें कुछ ऐसे उद्बोधन या ऐसे संकेत आ जाते हैं जिस तरह के संकेत आउट ऑफ द बॉक्स अटल बिहारी वाजपेयी की सभाओं के अंदर हमको देखने को मिलते थे, उनके भाषण के अंदर हमको देखने को मिलते थे। दोनों का कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, कहां गुरु जो है वो शक्कर था और चेला भी जो है वो गुड़ ही रहा हुआ है। पुरानी कहावत यहाँ पर सामने चरितार्थ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमको समझना पड़ेगा कि वो जो संघर्ष के दौर थे, मोदी ये भी कहते हैं कि 45 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगकर खाना खाया है, यानी आरएसएस के प्रचारक के तौर पर जिस घर में वो जाते थे, जिस घर में रुकते थे, जहां पर वो काम करते थे, शाम को भिक्षा मांगते थे और खाना खाते थे। तो मेरे ख्याल से ये जो तमाम जिंदगी के उनके अनुभव रहे हैं, जिंदगी की जो उनकी सच्चाइयां रही हैं, उससे ही जोड़कर नरेंद्र मोदी चीजों को लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। और वो यही कहते हैं कि सरकार को चलाना या कोएलिशन की सरकार को चलाना शंकर जी की बारात चलाने जैसा है, जिसमें चूहे भी हैं, सांप भी हैं, चचुंदर भी हैं, भालू भी है, शेर भी है। दीपक जी माफी के साथ आपको मैं रोकना चाहूंगी, शरद यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, हम सीधे रुक कर लेते हैं जेडीयू कार्यकारिणी का।